दे दियो झपका लियो और बिना बाद में मारी आवे। मैं हमेशा सत्य के साथ ही हूं ना, और चाहे जांच कराओ चाहे कुछ भी कराओ, ये आदमी आने का थोड़ा सा दियो लालच रुपया भाग का। मैं देखी हूँ पर्टिकुलर, ये बात देखी हूँ ना पर्टिकुलर, वो जांच रहो ये आपको काम काल नहीं, कोई सभी झूठा साधा सा इनकार कर आपको काम, और आप तो भाग गए और मैं सत्य के साथ लड़ता रहा हमेशा, और आज भी सत्य आप भाई आदमी, चाहे जांच कराओ चाहे क्यों कराओ, डीएलबी में चलो मैं साथ ही चार्ज लिए और मैं मेरी लेटर पेड़ पर दे देती हूँ जाँच करवा के लिए, लेकिन अपन यहाँ का आदमी घुन चाहिए एक बार तो नहीं सारो, और पर आपको काम निकलो एक आदमी को वो भागो। मैं ऐसा देखी हूँ ना, अगर छोटो सा काम हो यो बुला लियो, चेयरमैन बुला लिया, छोटा सा काम हो जनता के साथ आज सार्वजनिक है, जनता का इसके लिए तैयार है जी, लेकिन सत्य रहना चाहिए आदमी ने, हर बात पर थोड़ा सा लालच का दबाव में नहीं आना चाहिए कुछ भी रोजा सत्य ने। अब भी चीज ना आप कोई मैटर उठाओ वो पूरा वही को नहीं जी, पहले मैंने रफा दफा कर देना के मतलब निकले भी को, कोई बात के पीछे पड़को तो भी को अलाउ होना चाहिए, भी को निरकश निकलो चाहिए। अब काल भी को धरनो दियो तो धरना को अभी तक कोई जवाब ही को मिले, अभी लिए का बात हो रही है, अभी बात हो रही है, आज मीटिंग भाई आप एजेंडा ही को जोड़े हो भाई, तो भाई एजेंडा की तो झंझट हो जाओगे। छोटो सा यो साहब फोन कर दियो, चेयरमैन काम कर दियो, हां थारो के काम है जी जी, लो थारो काम करवा दियो, हेलो बे साइलेंट। अरे क्यों सार्वजनिक जनता के लिए, पूरा जनता को काम होना चाहिए, खुद का व्यक्तिगत काम के लिए कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं जनता का काम हूँ, मेरा एक भी काम मत होना, और मैं अभी तक मेरा कोई एक पर्सनल काम कराए भी को नहीं, कोई पट्टो या कोई और कुछ, तो मैं सार्वजनिक काम कर लिया हूँ, मत रहो तो प्रतिपक्ष का नेता और और मैं एक आदमी हूँ सच्चो लड़बड़ो आदमी, अच्छा बात पर जवाब देते सारी चीजें, क्या उनकी कोई पूरा कोई काम नहीं रहता क्या वार्ड में, क्योंकि जो एजेंडे बढ़ाए जाते हैं वार्ड, ये जो एजेंडे बढ़ाए जाते हैं तो पास तो क्यों नहीं पूछा जाता, नहीं बात सही है, जिन्होंने पूछा आपको थोड़ी पता है शहर में क्या समस्या हो रही है, पास अपने वार्ड से पास वार्ड में क्या क्या दिक्कत है, तो आप पास से पूछ के एजेंडे बढ़ाने चाहिए, ये तो मनमर्जी के एजेंडे बढ़ाए हुए हैं और ये मनमर्जी चलेगी नहीं, फिर हमें पार्षद चुनने की आवश्यकता नहीं, आप ही बढ़ा देना अपनी समस्या करने के लिए, पार्षदों का क्या महत्व है, उसकी वार्ड में क्या समस्या है, हर बार एजेंडा तैयार लीजिए, हर बार ये गुजर गए आप लोग की धरना देते हैं पार्षद, उनको सहमति से बे एजेंडो जी आग्रोही का मान है ने, बिना पास दो पूछे ही आप एजेंडे तैयार कर लेते हो, कैसे कर लेते हो हमें तो, मुझे ये बताइए कि ये मीटिंग रखी क्यों जाती है, फिर वार्ड वाले समस्या आती है और आपके पास कोई समस्या नहीं आती, अरे